Hi everyone, in this video I will tell you about subject priorities for UPSC. See, one of the most important thing while preparing for UPSC and one of the most common doubts which aspirants have is that kis subject ko prioritize kiya jaye. And subject priorities se mera matlab ye nahi hai ki aap pehle polity padhein या पहले हिस्ट्री पढ़ें या कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें. ये मैं एक बहुत ब्रॉडली मैंने सब्जेक्ट एक टॉपिक दिया है. सब्जेक्ट का मतलब है कि आप कुछ चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी के लिए करनी पड़ती हैं, जैसे बेसिक बुक्स पढ़ना है आपको, ऑप्शनल पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स पढ़ना है. तो इनको मैं ब्रॉडली सब्जेक्ट मान रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट हैं और मैं इनके इनकी प्रायोरिटीज़ बता रहा हूँ. और ये मेरी सीरीज का पार्ट है, सिंपलेस्ट वेज टू क्लियर यूपीएससी. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये एक तरीका आपको पता चल जाए कि यार ये चीज़ें मुझे पहले करनी है और ये, तो आप उसे इजीली कर पाएंगे और ये आपको एक प्रायोरिटी सेट कर देगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या करना है. सो व्हेन यू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक मेजर डाउट रहता है हर किसी के मन में, मेरे मन में भी था कि व्हाट टू स्टडी, है ना, कि क्या पढ़ें, क्या चीज है, कौन सी बुक पढ़ें, क्या सोर्सेस फॉलो करें. और हर कोई हजारों वीडियोस देखता है, मैंने भी देखे थे बहुत सारे वीडियोस, आप देखेंगे बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, पूछेंगे उनसे, यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, किसी टीचर से पूछेंगे, खुद से सर्च करेंगे और फिर आप अंत में तय करते हैं कि यार ये बुक मैं फॉलो करूंगा, ये करूंगा. हालांकि बुक जो होती है वो ज्यादातर कॉमन रहती है बट फिर भी हर किसी के मन में डाउट रहता है कि यार मैं क्या ऐसा पढ़ लूं कि कुछ हो जाए. व्हाट टू स्टडी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट, ठीक है, हर किसी के मन में डाउट रहता है. और इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आगे जाके, बट मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली आसान है डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है, बिकॉज ज्यादातर सोर्सेज मोर और लेस सेम रहते हैं. बट इक्वली इंपॉर्टेंट, जो लोगों के मन में इनिशियली डाउट नहीं आता, इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इज सेटिंग प्रायोरिटीज इन व्हाट यू आर स्टडिंग. आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपने बुक्स तय कर ली, आपको पता है आपको ऑप्शनल करना है, आपको पता है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको पता है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है, उसमें आप प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, उसमें आप कैसे तय करेंगे कि मैं क्या पहले करूं. आज मैंने तैयारी शुरू की या मैं पहले से भी कर रहा था तैयारी, तो क्या ऐसी चीजें थी जो मुझे प्रायोरिटीज में रखनी थी. जैसे आज आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज आप सीरियस स्टडी शुरू कर रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटीज, क्या पढ़ूं मैं पहले. और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी, जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अच्छे से तैयारी शुरू करता हूँ, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं बेसिक बुक्स ले आया, है ना, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ले आया, लक्ष्मीकांत वगैरह ले आया और पढ़ने बैठ गया, पढ़ने लगा. फिर मुझे, मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था, तो मुझे लगा कि यार चलो मेडिकल साइंस पढ़ लेते हैं, तो मैंने उसके बीच में थोड़ा मेडिकल साइंस उठा लिया. लोग कहते थे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मैं थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा. ऐसे ही हर कोई तैयारी करता है, बट बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये कितना ज़्यादा गलत तरीका है तैयारी करने का. आप कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं कर सकते, है ना, रैंडमनेस आपको कम करनी पड़ेगी इस एग्जाम की तैयारी में. और वो कब होगा, जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे. बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटी सेट करना. तो यहां मैं कोई आपको बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा कि ये बुक पहले पढ़ो, ये ऐसा करो वैसा करो, या आप ऑलरेडी जो फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे अल्टर कर लें. बट मैंने जो फॉलो किया, मैंने पर्सनली ये फॉलो नहीं किया था, बट मैंने जो सीखा इतनी जर्नी में, मुझे लगता है कि अगर ऐसा मैं करता तो बहुत बहुत ज्यादा मुझे फायदा होता, वो मैं आपको बताऊंगा. और ये बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने कहा, आई एम सिंप्लीफाइंग द वे यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊंगा, कुछ कॉम्प्लिकेट आपको कुछ अलग नहीं बता दूंगा. बट ये मेरा तरीका, अगर आज मैं तैयारी शुरू करूं, कोई मुझसे कहे कि फिर से करो, तो ये मेरा तरीका होगा अपने एक्सपीरियंस से. सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स करनी है. बेसिक बुक्स का मतलब है लक्ष्मीकांत हो सकती है, वो एनसीईआरटी हो सकती है, वो जैसे कि ज्योग्राफी के लिए 11 12th की एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं. इस तरीके से हर मतलब बुक लिस्ट होती है. जैसा कि मैंने कहा था, व्हाट टू स्टडी, आप डिसाइड करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये चीजें पढ़ूंगा. आइडियली आपको एक सोर्स फॉलो करना है पर सब्जेक्ट, ये आपने तय कर लिया. उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है ना ऑप्शनल पढ़ना है. सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो है बेसिक बुक्स कंप्लीट करनी ही करनी है. अगर आपने ये नहीं की और इनको बार 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 रिवाइज नहीं किया, तो आपका कुछ नहीं होगा, ना आपका प्रिलिम्स होगा, मेंस को तो भूल ही जाइए, उसका कुछ समझ ही नहीं आएगा, ना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो समझ आएगा. तो जो आपको बेसिक आइडिया तो हो चीज़ों का, तो उसके लिए बेसिक बुक्स आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में कंप्लीट करनी है. दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑप्शनल. जो लोग, एक मेरा तरीका ये था कि मैं एक दिन में एक ही चीज करता हूँ, जैसे बेसिक बुक्स पढ़ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, तो वही पढ़ूंगा पूरे दिन या एक हफ्ते तक. बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो आधे दिन अपना जो जीएस का है, यानी कि जो बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ते हैं, आधे दिन ऑप्शनल पढ़ते हैं. तो जो भी तरीका है आपका, उस हिसाब से आप तय कर लीजिएगा. बट सेकेंड प्रायोरिटी में आपको रखना है ऑप्शनल.
जो भी आपका ऑप्शनल हो उसे सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आइडियली आपका ऑप्शनल जो प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू करते हैं उसके पहले हो जाने के साथ साथ एक दो रिवीजन भी हो जाना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी है बेसिक बुक, जब वो हो जाए देन ऑप्शनल। देन थर्ड प्रायोरिटी इज द नोट्स ऑफ द टर्म्स गिवन इन द मेन सिलेबस, जो मेन्स का सिलेबस है उसके हर सब्जेक्ट में, जीएस 1, 2, 3, 4 में बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, उन टर्म्स पे आपको नोट्स बनाने हैं बिकॉज क्वेश्चन उसी से आते हैं। ये थर्ड प्रायोरिटी पे आता है, है ना। पहले आपने बेसिक बुक्स कर ली तभी आप ये कर पाएंगे, ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी हो गई। चौथी प्रायोरिटी है करंट अफेयर्स, चाहे वो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। आइडियली आपको प्री के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप पीटी 365 जो अंत में कंपाइलेशन आता है उससे भी काम चल जाएगा, बट ये आपको चौथी प्रायोरिटी में रखना है। ऐसा ना हो कि आपका बेसिक बुक्स ही पूरी नहीं हो, आप करंट्स के पीछे, करंट अफेयर्स के पीछे भागते जाएं, कुछ नहीं होगा उससे आपका, उसी से मेन क्वेश्चन आएंगे बेसिक बुक से और वो आपको अच्छे से बनेगा तभी अच्छे से समझ आएगा। पांचवी प्रायोरिटी पे रखना है एथिक्स, छठवीं पे ऐसे। अब मैं ये नहीं कह रहा, आप जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी पहले बनाए थे, या बहुत सारे टॉपर्स बनाते हैं कि इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ऐसे पे, एथिक्स पे और ऑप्शनल पे, बट मैं ये प्रायोरिटी आपको पढ़ने की बता रहा हूं, है ना। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों से, बट ये पढ़ने की प्रायोरिटी है कि पहले आपको बेसिक बुक करनी है, जब वो हो जाए तो ऑप्शनल, जब वो हो जाए तो जो मेंस में टर्म्स दिए उसके सिलेबस, जब वो हो जाए तो करंट अफेयर्स, जब वो हो जाए तो एथिक्स, देन ऐसे। ऐसा ना हो कि आप पहले ही एथिक्स करने लगे पहले ही महीने में कि मुझे अच्छी लग रही है मैं पढ़ लूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। इवन जो प्री और मेंस के बीच में समय होता है ना, अगर आपका सिलेक्शन हो गया उसमें भी ये किया जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मतलब नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाली चीज़ों से हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा ये बता रहा हूँ। तो ये कुछ चीजें थी, इसके अलावा देर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर नॉट सब्जेक्ट्स, है ना। बहुत सारी मिसलेनियस चीजें होती हैं जो कि एसेंशियल है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, एसेंशियल यानी कि अनिवार्य है, आपको करना ही है, वो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। इसके अलावा भी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं रैंक वन में ही रखूंगा ऊपर बेसिक बुक्स के साथ, बट अब वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं अगला एक और अभी एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि वो बताऊंगा कि वो क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपको करनी है। साथ ही एक और वीडियो बताऊंगा जिसमें कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, क्या बुक सोर्स फॉलो करना है, उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि मैंने पर्सनली क्या फॉलो किया और मुझे, मैंने आइडियली जैसे मैंने बताया एक सोर्स फॉलो करना चाहिए, बट आप जब तैयारी करते हैं तो 10 सोर्स देखते हैं कि यार ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ऐसा देख लूँ, ऐसा देख लूँ। मैंने भी देखा, बट मुझे क्या सबसे अच्छा लगा और मुझे आज मैं तैयारी शुरू से करूँ तो मैं क्या सोर्स फॉलो करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू ऑल वॉचिंग द वीडियो।